गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएचयू पाठशाला। आज की हमारी डेट हो गई है 19 फरवरी 2021, और 19 फरवरी 2021 से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में मेरा आपसे क्वेश्चन रहा था, मध्य प्रदेश के धार शहर में अभी हाल ही में 3 दिवसीय फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, इस फेस्टिवल का क्या नाम है? तो देखिए, इस फेस्टिवल का नाम है मांडू, और इस बार की इस फेस्टिवल की थीम रही है खोजने में खो जाओ। आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है, यदि आपको उसका आंसर आता है देन मस्ट कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके। एनीवेज, वीडियो आपको डेली प्रोवाइड की जा रही है, सो आपको वीडियो को रेगुलरिटी के साथ फॉलो करना है। मंथ के लास्ट में आपको मंथली करंट अफेयर की एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसको कि आप एज अ रिवीजन पढ़ोगे, और फिर आपके जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सभी कवर हो जाएंगे, ओके। आज की डेट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में चित्तौड़ा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द डेवलपमेंट वर्क फॉर चित्तौड़ा झील इन विच स्टेट। तो देखिए, अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश राज्य में चित्तौड़ा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है। अब यहाँ से आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चित्तौड़ा झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, आंसर होगा आपका चित्तौड़ा झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चित्तौड़ा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है, और चित्तौड़ा झील आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे बात हमने उत्तर प्रदेश की है, तो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताती हूँ। उत्तर प्रदेश का जो है आपका कैपिटल इसका लखनऊ है, आपको पता होना चाहिए। इसके चीफ मिनिस्टर हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप इसका लर्न कीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश में आपका कानपुर शहर आता है, राइट, और ये जो कानपुर है आपका गंगा नदी के किनारे का सबसे बड़ा शहर है, इसको आप याद रखेंगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एविएशन एंड DGCA अलाउड विच स्पोर्ट अथॉरिटी टू फ्लाई ड्रोन्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने BCCI को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। अब यहाँ पे हमने बात ड्रोन की है, तो देखिए, भारत में ड्रोन को नागरिक इस्तेमाल की मंजूरी तो है, इवन इसको 3 साल पहले ही दे दी गई थी, लेकिन इसकी जो कुछ नियम है, कुछ इसके मतलब कि ड्रोन पॉलिसी है, तो अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने ऐसा कहा है कि जो BCCI है, ये अपनी कवरेज के लिए 2021 में जितने भी टूर्नामेंट कराएगी उसकी कवरेज के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए ये ड्रोन का उपयोग कर सकती है, ओके। यहाँ पे बात हमने BCCI की है, तो BCCI का आपका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ओके। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1928 में, और BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। BCCI के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, और BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह जी, ओके। फिर चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत इस वर्ष कितने किलोमीटर की दूरी से माल गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण शुरू करेगा? हाउ मेनी किलोमीटर विल इंडिया बिगिन टू टेस्ट द अस्त्र मार्क 2 मिसाइल फ्रॉम अ डिस्टेंस दिस ईयर? तो देखिए, भारत इस वर्ष 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण शुरू करेगा। देखिए, ये जो है ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म आपका होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसको हम जो है AA मिसाइल कहेंगे। AA कहने का मतलब ये है, ये एयर टू एयर मिसाइल होगी, मतलब कि हवा से हवा में ये वार करने वाली मिसाइल होगी, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसके बनने के बाद जो है भारत हमारा देश ये चाइना और पाकिस्तान से भी आगे निकल जाएगा। बाय द वे, देखिए अभी तो अभी ये बन रही है, तो इसके पहले जो है, या मतलब कि अभी वर्तमान में हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी मिसाइल यूज़ करते हैं? तो देखिए, वर्तमान में हम फ्रांसीसी और इसराइल का जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का उपयोग करते हैं, ओके, बट जब हमारा ये बन जाएगा तो हम इसका यूज़ करेंगे, ओके। भारत इस वर्ष 160 किलोमीटर की दूरी से माल गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण शुरू करेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की 3री पनडुब्बी को शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज इंक्लूडेड 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, व्हाट इज इट्स नेम? देखिए, इसका नाम है INS करंज, ठीक है। देखिए, इंडियन नेवी का जो P-75 है, मतलब कि जो परियोजना 75 है, इसी के तहत स्कॉर्पियन कैटेगरी में पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है, ओके। इसके पहले ऑलरेडी 2 बनाया गया है, INS खंडेरी और INS कैलवेरी, ओके, और ये जो है आपका INS करंज, ये जो है 3री पनडुब्बी है, इसको जो है मुंबई में शामिल किया गया, ओके। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बात की है इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी का जो आपका हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है, और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमवीर सिंह, ओके।
हाल ही में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज को शामिल किया गया है। इसके पहले दो जो पनडुब्बी हैं उनमें पहली पनडुब्बी है आईएनएस खंदेरी और दूसरी है आईएनएस कालवेरी और तीसरी है आईएनएस करंज। इसका नाम आपको लर्न करना है बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है। रिसेंटली हु हैज टाइड अप टू गेट 68% स्टेक इन बिग बास्केट। तो देखिए टाटा ने जो है अभी हाल ही में बिग बास्केट में 68% की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। ओके, अगर मैं बात करूँ बिग बास्केट की, तो देखिए बिग बास्केट की शुरुआत 2018 में हुई थी और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मीन्स फिलहाल में भारत के 25 सिटीज में बिग बास्केट बन चुका है। ओके, टाटा ने हाल ही में बिग बास्केट के साथ 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने की समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में संयुक्त राज्य पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो ये प्रीति सिन्हा जी को बनाया गया है। प्रीति सिन्हा जी को संयुक्त राज्य पूंजी विकास कोष का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में कहाँ कंछौत त्यौहार मनाया गया। वेयर वॉज द रिसेंटली सेलिब्रेटेड कंछौत फेस्टिवल। तो देखिए अभी हाल ही में कंछौत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी में सेलिब्रेट किया गया है। ओके, अब यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर की बात की है, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अब आपका स्टेट नहीं रहा है, ये अब एक यूनियन टेरेटरीज है। 2019 से पहले हम जम्मू कश्मीर की काउंटिंग स्टेट की लिस्ट में करते थे, बट अब अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हमने बात यूनियन टेरिटरीज की है, तो देखिए 2019 से पहले आपके टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज थे, इसके बाद जो है आपके जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके दो नए यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो इस तरीके से आपके टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। बट इन जैन 2020 जो आपके दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये छोटे छोटे हैं इसीलिए इनको मिला करके एक बनाया गया दादर व नगर हवेली, और इस तरीके से जो है आपके टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज वर्तमान में हैं। ओके, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी में कंछौत त्यौहार को मनाया गया है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता। हु रिसेंटली वॉन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। अभी हाल ही में थियोडोर भास्कर ने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड को जीता है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन पावर लिफ्टर ऑफ कश्मीर। तो देखिए ये बनी है सैमा उबैद जी। एक्चुअली अभी पिछले साल कश्मीर में 4th कश्मीर पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कि सैमा उबैद जी ने 255 केजी का जो है वेट उठाया और इसी के साथ इनको जो मतलब इनको गोल्ड मेडल मिला इसके लिए, और इसी के साथ ही कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बन गई सैमा उबैद जी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिड डे मील के वेतन में बढ़ोतरी की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंक्रीज द सैलरी ऑफ मिड डे मील। तो देखिए ये झारखंड सरकार ने किया है। झारखंड सरकार पहले जो है 500 रुपये देती थी और अब ये 2000 रुपीज़ देगी। ओके, अगर हम बात करें झारखंड स्टेट की, तो इसका कैपिटल है रांची और इसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी। करंट की अगर हम बात करें तो देखिए झारखंड में अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रज्ञा ऐप, और एक और ऐप है जिसका नाम है कोरोना सहायता ऐप। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं, कोरोना सहायता ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये झारखंड में लॉन्च किया गया। फिर देखिए यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी यहाँ पे लाई गई है। ओके, फिर यहाँ पे जो है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना भी झारखंड में आपकी लाई गई है। झारखंड राज्य में मिड डे मील के वेतन की बढ़ोतरी की गई है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन अमेरिका से आगे निकला है। हु हैज ओवरटेकन द यूएस एज अ यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रिसेंटली। देखिए ये जो है चाइना यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। वाह, यहाँ पे हमने बात चाइना की है, तो चाइना का जो कैपिटल है वो है आपका बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी, और जो है यहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो है जिंग जिनपिंग। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड 22 फरवरी 28 अभियान जारी किया है। विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली रिलीज जीरो कोविड 22 फरवरी 28 कैंपेन। यहाँ पे कोविड की स्पेलिंग आप कॉरेक्ट कर लीजिए, COVID होती है कोविड की स्पेलिंग। ओके, देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने जो है ये जो अभियान जारी किया है, इसके तहत एक्चुअली ये लोग क्या कहना ये है कि 28 फरवरी तक कोरोना वायरस फ्री बनाना है अपने केंद्र शासित प्रदेश को। अच्छी बात है।
जिन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में मानव अधिकार समिति के सलाहकार अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द एडवाइजरी चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिटी? देखिए, ये अजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। अजय मल्होत्रा जी को मानव अधिकार समिति का सलाहकार अध्यक्ष बनाया गया है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थांगजब धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली द फिजिशियन ऑफ विच स्टेट डॉक्टर थांगजब धवली सिंह हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन? देखिए, डॉक्टर थांगजब धवली सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे बात हमने मणिपुर स्टेट की है, तो मणिपुर स्टेट का कैपिटल है इम्फॉल, चीफ मिनिस्टर है एन वीरेन सिंह जी, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी, और देखिए मणिपुर को जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मणिपुर जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य है, और इसकी जो बॉर्डर है म्यांमार से मिलती है, इसकी ईस्ट बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलती है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की हमारी 19 फरवरी 2021 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बताए। ओके, अभी आपसे मेरा दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसे पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अगर पता है तो आपको लिखना है। देन मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, अभी आप अगर न्यूज़ ओपन कर रहे हो अपना, सभी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनी हुई है, आज़ादी के बाद फांसी पर चढ़ाने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम क्या है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।